गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो कालव। आज मैं आपके लेके आया हूँ एक और नई टवेरा चैनल में। इसके पहले भी एक वीडियो का हो चुका है रिव्यू, लेकिन ये टवेरा थोड़ी अलग है। ये 1,70,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है, तो आपको इसका रिव्यू देंगे कि 1,70,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी गाड़ी की कंडीशन कैसी है और चलने में कैसी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को करते स्टार्ट और आपको देते इसकी फुल डिटेल वीडियो इस रिव्यू में। तो ये रही टवेरा की चाबी, नॉर्मल आती है, इसमें कोई भी सेंटर लॉक वगैरह नहीं आता था, बेस मॉडल था। इसमें अनलॉक लॉक यहाँ से होती है। सो फ्रेंड्स, ये रहा टवेरा का इंटीरियर, जो कि आपने इसके पहले देख चुके होंगे एक बार वीडियो में। यदि नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए अंदर बैठते हैं और फिर बात करते हैं। ये मिल जाते हैं यहाँ पे स्टेयरिंग, जो कि एकदम नॉर्मल आता है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट है, ये अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि स्विच पूरी ऑफ है। यहाँ पे मिल जाते हैं स्टूडियो, जो कि ये बेस मॉडल है, इसमें अलग से लगाया जाता था। जय शंकर भगवान। यहाँ पे मिलता है हमें ग्लव बॉक्स। इसमें क्या ही डिटेल दूं यार, ये तो सब कुछ आपको पता ही है क्योंकि इसके पहले इस वीडियो पूरा हो चुका है। इस वीडियो में इसके पहले तो पूरे एक बार डिटेल रिव्यू मैं कार का कर ही चुका हूँ। अब सिर्फ आपको दिखाना है कि इसकी रनिंग कंडीशन कैसी है और क्या है गाड़ी की। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये रही इसकी चाबी। चाबी लगाते हैं यहाँ पे। ये स्विच वगैरह जो देख रहे हैं आप, मैं जैसे बताया था कि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन हो जाती थी, अलग अलग लाइट वगैरह लग जाते हैं। इसका है ये, यहाँ पे लगता है इसमें लॉक, जिसमें कोई भी कीलेस एंट्री उस समय में नहीं आती थी। अब तो बंद हो गई सर्वेले की ये कार। यहाँ पे मिल जाता है हमें ये सब, स्पीडोमीटर वगैरह। अब यदि इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि ये देख सकते हैं आप, 113 तो ये दिखा रहा है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको टोटल कितनी किलोमीटर चली है। ये देखो 1,69,990 यानी 1,70,000 के आसपास चल चुकी है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे मिल जाता है सेंटर कंसोल में हमें एसी, कंसोल के बाद एसी के बाद में हमें मिल जाता है गियर नॉब। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह हैं। ये रही इसकी बैक साइड, जो कि मैं आपको दिखाया था, पूरा सब कुछ दिखा चुका हूँ इससे पहले। यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह। चलिए अब चला के देखते हैं इसको कि चलती कैसे है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, यदि ये साउंड यहाँ से फुल होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे कार को करते स्टार्ट और उसके बाद में चला के बताते कि कार कैसी चल रही है। तो जैसा देख सकते हो कि कोई भी ज़्यादा इंजन नॉइज नहीं है, इतना 2 लाख के समथिंग चलने के बाद भी 1,70,000 जैसा आपको बताया था। तो चलिए डालते हैं फर्स्ट गियर में, शंकर भगवान का नाम लेते हैं, बोले शंकर भगवान की जय, और चला के देखते कैसी चलती है। मेरे को क्या मन आ पा रहे हो करके, मैं सोचा कोई और होगा। सो फ्रेंड्स, चलाने में ऐसे कोई भी अभी तक की इंजन वाइज भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, अच्छी खासी स्मूथ चल रही है। पूरा काम करवाए हो मेरे इंजन का। एक बार आपको इंजन नॉइज भी सुना देते बाहर जाके कि इंजन किस तरीके से पर... देखा होगा 1,70,000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी ये गाड़ी एकदम टॉप कंडीशन में। यदि किसी को भी यानी 7 to 9 सीटर चाहिए होगी तो ये बेस्ट एवरेज के साथ में बेस्ट गाड़ी है अभी भी। खैर सर्वेल तो चली गई है, खैर सर्वेल कंपनी तो चली गई है, उसके बावजूद भी गाड़ी सेकंड हैंड मार्केट में भी अवेलेबल है। तो चलिए, तब फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, यदि पसंद आए तो लाइक करना। ये भैया भी इसको ड्राइव करते हैं, इनके साथ में ऑनरशिप रिव्यू वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। विकास भाई, ये भाई भी है।